हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बच्चों घर पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से होंगे और इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत अच्छे से एकदम यूटिलाइज कर रहे होंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये लॉकडाउन का पीरियड दोबारा नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया बच्चों पढ़ाई का मौका पता नहीं ज़िंदगी में आप लोग कब मिलेगा। सो प्लीज़ इसको एकदम खुले हाथों से एकदम इसको एकदम पकड़ लीजिए, इसको एकदम यूटिलाइज करिए। चलिए हम लोग अपने सॉलिड स्टेट के डिस्कशन को बच्चों आगे बढ़ाते हैं और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अपना सॉलिड स्टेट डिफेक्ट्स। ठीक है भाई, देखो डिफेक्ट्स क्या होते हैं उसको आइए चलिए पहले समझते हैं। या देखो, हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में दो तरह के सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं। पहला हमारा होता है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है क्या, अमॉर्फस सॉलिड। यार क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसी में पढ़ने के लिए है, उसी में कुछ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। अमॉर्फस में तो कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही नहीं है भाई, जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ अरेंजमेंट ही नहीं, तो उसको क्या स्टडी करोगे। सो हम लोग पूरे चैप्टर बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि कैटायन और एनायन हमारे सिस्टमैटिकली एक वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब दोस्तों इसी में देखिए सीन क्या होता है रियल लाइफ में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैटायन्स और एनायन्स एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं, बट इन रियलिटी ठीक है। सो थ्योरेटिकली वी कैन सी दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हाईली सिस्टमैटिक, बट इन रियलिटी क्या वो 100% बच्चों सिस्टमैटिक होते हैं? नहीं भाई, जिंदगी में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। आइडियल गैस तक तो हमको मिली नहीं केमिस्ट्री में आज तक, सो आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे मिलेगा? सो इन रियल केस बच्चों, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड 100% बच्चों परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड 100% परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ बच्चों उसमें डिफेक्ट्स होते ही होते हैं। सो नाउ व्हाट इज डिफेक्ट बच्चों? डिफेक्ट का मतलब होता है एनी डिविएशन। दोस्तों डिफेक्ट का मतलब होता है एनी डिविएशन फ्रॉम थ्योरेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, सो किसी भी तरीके का डिविएशन जो होना चाहिए उससे किसी भी तरीके के डिविएशन को हम डिफेक्ट कहते हैं। किसी भी तरह का डिविएशन बच्चों डिफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर मेरे बच्चों पहली चीज़ समझ लीजिए। क्या पहली चीज़ समझोगे बच्चों? जो डिफेक्ट्स होते हैं दे आर नॉट बैड। आपको लग सकता है कि यार डिफेक्ट मतलब डिविएशन मतलब गलत चीज़ ना बच्चों। ऑल डिफेक्ट्स आर नॉट बैड। कई बार बच्चों सॉलिड स्टेट में हम लोग डिफेक्ट्स इंटेंशनली ऐड करते हैं। यस, आप सब लोग जानते हैं बच्चों, जैसे कि गोल्ड की किस्म। क्या गोल्ड प्योर अवस्था में हमारे काम का है? नहीं बच्चों, गोल्ड में हम लोग बच्चों इंटेंशनली सिल्वर और कॉपर की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं सो दैट उसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाए। इसी तरीके से बच्चों सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए हम उसमें डिफेक्ट्स को बच्चों ऐड करते हैं। सो कई बार डिफेक्ट्स इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं और कई बार डिफेक्ट्स अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए डिफेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं। या देखो सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट तीन तरीके के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और फिर हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पूरे के पूरे चैप्टर में दोस्तों हमने इन तीन तरीके के डिफेक्ट्स को पढ़ना है, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। या देख क्या होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसके आने के बाद बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहता है बच्चों, फॉर्मूला जैसा है वैसे ही रहेगा। सो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे वो डिफेक्ट होते हैं जिसके होने के बाद, जहां पे बच्चों डिफेक्ट के होने के बाद भी कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज नहीं होता है। सो ऐसा डिफेक्ट जिसके होने से पहले और जिसके होने के बाद कैटायन और एनायन का रेशियो बच्चों चेंज नहीं हो रहा, उसे हम कहते हैं क्या, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर मान लो बच्चों कोई ऐसा डिफेक्ट होता है कि जिसके होने से सॉलिड में, क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का बच्चों रेशियो बदल जाए, तो उसे हम कहेंगे क्या, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब कि पहले लेट से आइडियल केस में लेट से क्रिस्टल में क्या होना चाहिए, 100 कैटायन और 50 एनायन। भाई इस तरह का फॉर्मूला है, A2B टाइप का सॉलिड है। सो लेट से बच्चों डिफेक्ट से पहले 100 कैटायन 50 एनायन है, मतलब 2:1 का रेशियो है। लेकिन बाद में मान लो सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि डिफेक्ट के बाद बच्चों मान लो कि कैटायन हो गए 90 लेकिन जो एनायन है उनकी संख्या होगी 40, तो अब बच्चों क्या हो गया, ये रेशियो बदल गया। पहले रेशियो 2:1 का था लेकिन अब बच्चों 90 और 40 2:1 का रेशियो नहीं है। सो इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और लास्ट में होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें कि हम लोग किसी फॉरेन एटम को ऐड करते हैं। वहां पे बच्चों क्रिस्टल में
एडिशन ऑफ फॉर एन एटम होता है, एडिशन ऑफ फॉर एन एटम, फॉर एन एटम और फॉर एन सब्सटेंस की बच्चों एडिशन होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो आइए चलिए बारी बारी से हम लोग इन तीनों डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं। ओके गाइस, सो सबसे पहला जो डिफेक्ट हम लोग का आ गया है वो है स्कॉटी डिफेक्ट। अब देखो स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, ये समझते हैं। या देखो स्कॉटी डिफेक्ट को पहले समझने से पहले याद कर लो। मैं तो भाई कहता हूँ कि एग्जाम के लिए हमको पढ़ाई करनी है, सो मैं भैया स्कॉटी डिफेक्ट को पहले याद कराता हूँ कैसे, वीएस से। आप यार वीएस कैसे भी याद रखो वो आपका है, वीएस को आप विष्णु शंकर बना लो या कुछ भी बना लो, वो यार आपका लफड़ा है, ठीक है। मैं इसको विष्णु शंकर से याद रख लेता हूँ। सो स्कॉटी को पहले मैं वीएस से भैया मान करता हूँ मैं, ठीक है। अब वीएस का मतलब क्या है, वैकेंसी। स्कॉटी, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट होती है स्कॉटी में। सो वैकेंसी क्रिएट होती है स्कॉटी में, ठीक है। अब आओ चलो बच्चों स्कॉटी डिफेक्ट को समझते हैं। या देखो हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं बाइनरी कंपाउंड में। यार मैंने क्या बताया था, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसके होने के बाद भी बाइनरी कंपाउंड में कैटायन और एनायन का रेशियो बदलता नहीं है, ठीक है गाइस। सो देखो दोस्तों अपने पास ये एक फिगर है, एनसीईआरटी की फिगर है। इस फिगर में हमको एक आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। सो थ्योरेटिकली आयनिक कंपाउंड में क्या दिख रहा है हमको, एक आयन, एक एनायन, एक कैटायन, एनायन कैटायन, ये सब हैं चीजें। लेकिन गाइस अगर हम इसमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें तो हम क्या पाएंगे भाई, कुछ कुछ जगहों पर बंदे गायब हैं, कुछ कुछ जगहों पर यार बंदे गायब है। तो यहाँ पर यार एक बंदा गायब है भाई मेरे, यहाँ पर यार एक बंदा गायब है। सो यहाँ पर यार एक कैटायन गायब है, सो इस जगह पर यार एक कैटायन होना चाहिए बट वो मिसिंग है, ठीक है। और देखते हैं यार कहाँ कहाँ पर क्या कोई बंदा गायब है, यहाँ पर यार एक एनायन गायब है, यहाँ पे एक एनायन गायब है, और कहाँ पे क्या कोई बंदा मिसिंग है यार, यहाँ पर भी यार एक एनायन गायब है, ठीक है, और यहाँ पे यार एक कैटायन गायब है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी जगह बेटा खाली है, ये सारी जगह खाली है, यहाँ पे हमारे एनायंस मिसिंग हैं। सो मिसिंग आयंस होते हैं। सो बेटा यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल में मिसिंग आयंस होते हैं, हमारा जो क्रिस्टल होता है उसमें कुछ आयंस मिस हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। अच्छा मिसिंग आयंस जो होते हैं उसकी जगह को हम क्या कहेंगे भाई, वो हमारी खाली जगह होगी, हमारी वैकेंसी, वहाँ पे खाली जगह है ना, वैकेंसी क्रिएट हो गई वहाँ पे, जो मिसिंग आयंस है वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। सो बेटा व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है जहाँ पर कि हमारे बाइनरी कंपाउंड के आयनिक, बाइनरी कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ, गाइस ये वर्ड बड़ा गोल्डन वर्ड है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस मिसिंग हो जाते हैं, बोथ कैटायन भी मिस होगा एनायन भी मिस होगा, और अप्रोप्रिएट रेशियो में बच्चों मिस होंगे, सो दैट वी विल मेंटेन द रेशियो। अब बेटा मैं अप्रोप्रिएट से मेरा मतलब क्या है, सो प्लीज पहले इसे कॉपी में लिख लो, इन केस ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये है बेटा स्कॉटी डिफेक्ट की सही डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है इसको आइए चलिए मैं आपको ओके गाइस, सो अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है इसको आपको समझाता हूँ। देख भाई अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, यार मान लो हमारा जो क्रिस्टल है, जो बाइनरी कंपाउंड है, यार मान लो Ab2 टाइप का है, ठीक है, मान लो हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो Ab2 टाइप का है, दैट मीन्स क्या होगा कि अगर 100 A हैं तो 200 B होंगे, अगर 100 A हैं तो 200 B होंगे। अब यार मान लो सीन ये हुआ कि भैया स्कॉटी डिफेक्ट हो गया, अब भाई मान लो स्कॉटी डिफेक्ट हो गया, अब स्कॉटी डिफेक्ट के कारण हमारे क्रिस्टल में मान लो 100 की जगह सिर्फ 95 ए ही मौजूद है। सो अगर बेटा ए की संख्या 95 मतलब 5 ए के बंदे गायब हो गए, 5 ए के बंदे गायब हो गए तो उनकी जगह पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी। सो अगर बेटा यहाँ पे 5 ए के गायब हुए हैं तो बी कितने गायब होंगे, 10, बी आर कितने गायब होंगे, 10। इस तरीके से हमने बेटा बी को गायब करना है सो दैट द रेशियो रिमेन्स द सेम, सो दैट भाई रेशियो रिमेन्स द सेम। इसी तरीके से मान लो हमारा आयनिक कंपाउंड यार ए बी टाइप का है, तो ऐसे मान लो क्रिस्टल में अगर ये 200 ए हैं तो बी भी 200 होंगे। अब ऐसे में मान लो यार स्कॉटी डिफेक्ट हुआ और स्कॉटी डिफेक्ट के बाद मान लो यार इनकी संख्या 195 ए है तो क्रिस्टल में बी भी कितने होने चाहिए, 195 बी। सो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डोंट से दैट सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर मिसिंग, ना बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला। सो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो दैट द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन्स द सेम, ठीक है। बट इससे होता क्या है बेटा, बट इससे होता क्या है, स्कॉटी डिफेक्ट से होता क्या है यार, स्कॉटी डिफेक्ट से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है मुन्ना,
स्कैटी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट से यार वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अच्छा इस वैकेंसी डिफेक्ट, इस वैकेंसी क्रिएट होने से क्या होगा? अच्छा बताओ इस वैकेंसी क्रिएट होने से क्या होगा? हमारा जो क्रिस्टल है वो थोड़ा सा उसमें कुछ खाली जगह आ गई, उसमें कुछ खाली जगह आ गई। अच्छा खाली जगह आने से क्या होगा? वहाँ पे आयंस मिस हो गए। अच्छा आयंस मिस होने से क्या होगा? वहाँ पे मास, वहाँ पे बेटा मास कम हो जाएगा। तो यस, जो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा स्कॉटी डिफेक्ट का, कि भैया स्कॉटी डिफेक्ट से हमारा डेंसिटी, स्कॉटी डिफेक्ट से बेटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्कॉटी डिफेक्ट के कारण सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसी बात पे फ्रैंकल डिफेक्ट को भी पढ़ते हैं। ओके भाई, सो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यार फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। तो चल भाई फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं। भाई देख, फ्रैंकल डिफेक्ट के केस में सीन क्या होता है यार फ्रैंकल डिफेक्ट को भी पहले समझने से पहले याद रखो, और इसको यार याद रखोगे तुम FD से। अब यार FD तुम्हें कैसे याद रखना है? फिक्स डिपॉजिट से याद रखो, कैसे भी तुमको याद रखना है यार, वो तुम्हारा टेंशन है। बट यू नीड टू लर्न फिक्स डिपॉजिट FD तुमको यार याद रखना पड़ेगा। सो वट इज़ यार फ्रैंकल डिफेक्ट? यार देख, फ्रैंकल डिफेक्ट में सीन क्या होता है कि अगर हमारे पास लैटिस है, अगर दोस्तों हमारे पास लैटिस है, ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। अब अगर हम बच्चों इस क्रिस्टल लैटिस को थोड़ा सा पहले तो बड़ा कर देते हैं, काम करते हैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा लग रहा है ये। सो अगर हम दोस्तों इस क्रिस्टल लैटिस को देखें, ठीक है दोस्तों, अगर हम इस क्रिस्टल लैटिस को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे भाई? कुछ कैटायन एनायन, कैटायन सब कुछ चल रहे हैं यार। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है यार, यहाँ पर कैटायन अपना गायब है दोस्तों। यहाँ पर इस जगह पे कैटायन होना चाहिए था, ठीक है, इस जगह पे खाली जगह है, यहाँ पे कैटायन होना चाहिए था, ठीक है, चलो बाकी सब कुछ मामला सेट चला। अरे ये क्या यार, ये क्या यार, ये क्या मैटर है यार? यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैटायन मौजूद है, यहाँ पर यार एक एक्स्ट्रा कैटायन मौजूद है, और यहाँ पर क्या था यार, कैटायन मिसिंग था, यहाँ पर यार क्या था, कैटायन मिसिंग था, ठीक है। और सब जगह देखते हैं, और सब जगह मामला सेट है। सो बेटा होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट में? फ्रैंकल डिफेक्ट में FD का मतलब क्या होता है यार? फ्रैंकल में डिसलोकेशन होता है, यस डिसलोकेशन होता है। सो व्हाट हैपेंस गाइस इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट? इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड में छोटा वाला आयन, बच्चों सॉलिड में हमारे छोटा वाला आयन, अब छोटा वाला आयन मोस्टली कैटायन होता है बट नॉट ऑलवेज। सॉलिड के आयनी क्रिस्टल में, बाइनरी कंपाउंड के सॉलिड के क्रिस्टल में छोटा वाला आयन आए, छोटा वाला आयन के डिसलोकेट, बेटा डिसलोकेट हो जाता है। मतलब डिसलोकेट मतलब क्या? जैसे कि आपके घर में छोटा बच्चा है, ठीक है, वो आपके साथ छुपन छुपाई खेल रहा है, तो घर में जब वो छुपन छुपाई खेले तो क्या, उसे जहाँ पे होना चाहिए वो जाके छुप जाएगा, वो बाथरूम में जाके छुप जाएगा, रहेगा घर के अंदर ही लेकिन वो अपनी जगह से छुप गया है, वो कहीं पे जाके छुप गया है वो। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा यहाँ पर भी होता है, क्रिस्टल में हमारा छोटू छुप जाता है कहीं जाके, कहाँ पे छुप जाता है? इंटरस्टीशियल वॉइड्स में, जो खाली जगह होती है ना वहाँ पे, इंटरस्टीशियल वॉइड में जाकर के छुप जाता है। सो हमारा दोस्तों जो छोटा आयन होता है वो इंटरस्टीशियल वॉइड में जाकर के छुप जाता है। अब दोस्त यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, क्या दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी में कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी में कोई प्रभाव पड़ेगा? ना, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी यार फ्रैंकल डिफेक्ट से, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट से बेटा, डेंसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और जबकि अभी हमने स्कॉटी डिफेक्ट में देखा था, क्योंकि कैटायन एनायन मिसिंग हो जाते हैं, कैटायन एनायन मिसिंग हो जाते हैं तो उससे मास कम हो जाता है, उससे वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सारे बंदे क्रिस्टल के अंदर मौजूद है, बस देखे डिसलोकेटेड, ठीक है, छोटा आयन, कुछ छोटे आयन हमारे डिसलोकेट हो जाते हैं, तो मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों रेशियो हमारा वही रहेगा, जितने कैटायन उतने एनायन सब कुछ है, तो रेशियो वही रहेगा, बस छोटू हमारा बीच की जगह में जा करके बैठ गया, दैट इज कॉल्ड बच्चों हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है गाइस। अच्छा एक चीज़ और याद रख लो बच्चों, ये डिफेक्ट्स होते क्यों हैं, ये डिफेक्ट्स होते क्यों हैं बच्चों? ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट के पीछे का जो लॉजिक होता है वो आपको बता दो। सो गाइस, ये डिफेक्ट्स पैदा क्यों होते हैं, इनके ओरिजिन के पीछे का लॉजिक क्या होता है? दोस्तों इनके पीछे का लॉजिक ये होता है कि भाई ये जो डिफेक्ट्स हमारे होते हैं, इनके पीछे सीन ये होता है कि जब भी दोस्तों हम लोग सॉलिड को फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग सॉलिड को फॉर्म कर रहे होते हैं, उस दौरान इफ कैटायन एंड एनायन डोंट गेट प्रॉपर टाइम फॉर रीअरेंजमेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर,
फॉर रीअरेंजमेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे में दोस्तों हमारे सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स मिल जाते हैं। दोस्तों सीन समझना बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रेयर हो रही है, अब प्रेयर के दौरान मान लो यार आपके स्कूल में सब टीचर्स वगैरह ने आपको सडनली एकदम घंटा बजा दिया कि भैया चलो सबको 11 बजे एकदम असेंबली ग्राउंड में आना, तुरंत एकदम बेल बजी, तुरंत सबको एकदम अनाउंसमेंट हुआ कि भैया सबको असेंबली ग्राउंड में आना है, एंड विद इन वन मिनट के अंदर उन्होंने असेंबली शुरू कर दी। अब ऐसे में सुन लो, अगर आपके टीचर्स ने बच्चों आपको स्कूल के प्ले ग्राउंड में सही से प्रॉपरली अरेंज होने का प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो क्या आपकी बच्चों जो लाइन बनेगी क्या वो प्रॉपर होगी? नहीं होगी। तो इसी तरीके से बेटा, अगर मान लो आप सॉलिड जब बना रहे हो, तो ऐसे बेटा कैटायन एनायन को अगर आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया और सडनली आपने उनको सॉलिडिफाई कर दिया, तो ऐसे बेटा कैटायन एनायन की पोजीशन प्रॉपरली अरेंज नहीं होगी, सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स आ जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि जब हम सॉलिड को बना रहे हैं, सो दैट मीन्स बेटा क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड को जमाना, क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड को जमाना, फ्रीज करना, ठीक है, सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट करा रहे हैं। सो बेटा जब हम सॉलिड को बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, सो उस दौरान इफ क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट एट वेरी फास्ट रेट, तो ऐसे केस में दोस्तों डिफेक्ट अराइज होंगे। दोस्तों सीन समझना, आपने चीनी ली, चीनी को एकदम आपने मेल्ट कर दिया, अब मेल्ट जो आपके पास शुगर सिरप सॉल्यूशन है, अगर आपने उसको एकदम धीरे धीरे ठंडा किया, तो ऐसे में बेटा आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हो अरेंज होने के लिए। लेकिन बेटा आपने शुगर सिरप को क्या किया, दूसरे केस में आपने क्या किया, आपने शुगर सिरप को लिया और तुरंत आइस बाथ में डाल दिया, तुरंत आपने बेटा उसको बर्फ के ऊपर रख दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो शुगर होगी तुरंत की तुरंत फ्रीज हो जाएगी। ऐसे बेटा शुगर मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा। दिस सेकेंड सिचुएशन विल लीड्स टू लॉट ऑफ डिफेक्ट्स इन शुगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बच्चा शुगर सिरप को इनफाइनाइट टाइम में क्रिस्टलाइज आउट करते हैं, इनफाइनाइट टाइम, बच्चों मार्क माय वर्ड, कॉपी में लिख लेना, अगर हम बेटा सॉलिड को क्रिस्टलाइज करते समय इनफाइनाइट टाइम देते हैं, तो ऐसे में उसमें डिफेक्ट नहीं होगा। बट रियल सिचुएशन में कौन इनफाइनाइट टाइम देगा यार, किसके पास इतना समय है? सो रियल सिचुएशन में दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम क्रिस्टलाइजेशन के दौरान इनफाइनाइट टाइम दें। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग कुछ स्पीड के साथ करते हैं, और जब भी कुछ स्पीड के साथ करते हैं, There are some defects always arises in crystal structure. ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे क्रिस्टल में डिफेक्ट्स के पीछे का लॉजिक होता है। ठीक है, सो अब तक दोस्तों हमने दो तरह के डिफेक्ट देखे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको दोस्तों मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग आ गए हैं बेटा स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट को समराइज करने में, और इनके बेटा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यार देखो स्कॉटी डिफेक्ट को मैंने क्या बताया था कि भाई स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायन इन एनायन आर मिसिंग, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज़। ठीक है, ये चीज़, और यहाँ पे क्या हो गया था, स्मॉल आयन गेट डिसलोकेट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सीन क्या होता है, स्मॉल आयन हमारा बेटा डिसलोकेट हो जाता है क्रिस्टल में, एक जगह से किसी दूसरे वॉइड में जाकर के छुप जाता है। बेटा स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में एक चीज़ और समझना, स्कॉटी डिफेक्ट कहाँ पर है, वेन स्कॉटी डिफेक्ट इज फाउंड वेन डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, वेन डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज स्मॉल। ये बेटा स्कॉटी डिफेक्ट बेटा ऐसे बाइनरी कंपाउंड में पाया जाता है, ऐसे सॉल्ट में पाया जाता है जहां पर कैटायन और एनायन के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कैटायन और एनायन का साइज बेटा ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, काफी कंपेरेबल होना चाहिए, देर शुड नॉट बी वेरी लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, सो मान लो अगर कैटायन का साइज, मतलब मान लो एनायन का साइज 100 है, तो कैटायन ऐसा नहीं होगा 25 होगा ना, कैटायन का साइज 70-80 इस तरह से होना चाहिए, इतना दोस्तों यहाँ पर सीन होता है। ठीक है, अच्छा फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इट इज फाउंड इन दोज बाइनरी कंपाउंड दोज सॉल्ट्स वेयर लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट।
वेयर देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट, ठीक है, उस जगहों पर ये हमारा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सो स्कॉटी डिफेक्ट हमारा कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज में डिफरेंस स्मॉल है, मतलब ऑल। सो ये ऐसे सॉलिड में पाया जाता है जहाँ पे रेडियस रेशियो, जहाँ पे बेटा रेडियस रेशियो हाई होता है। अब ये रेडियस रेशियो क्या होता है अब तक तो मैंने नहीं बताया, बट मेरी नेक्स्ट वीडियो इस डिफेक्ट के बाद उसी की होने वाली है। सो रेडियस रेशियो हाई होता है, यहाँ पे बेटा रेडियस रेशियो लेस होता है। सो यहाँ पे बेटा रेडियस रेशियो लो होगा, ठीक है, मतलब इसी से बेटा ये रिलेटेड होता है। अगर आपने रेडियस रेशियो नहीं जानते तो अभी आप इसे इग्नोर कर दो, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आप जान जाओगे। सो रेडियस रेशियो बेटा यहाँ पर हाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस रेशियो लो होगा, ठीक है। क्या होता है रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर आयन, ठीक है। व्हाट इज रेडियस रेशियो, व्हाट इज रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्ज आयन, रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्ज आयन, इसको कहते हैं बेटा रेडियस रेशियो, ठीक है। तो चूंकि बेटा यहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच में जो डिफरेंस है वो काफी हमारा स्मॉल है, मतलब जितना लार्ज आयन का रेडियस है स्मॉल आयन का भी वैसा ही उसी कंपेरेबल है, तो ये वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा वन से छोटी नहीं होगी, ये वैल्यू 0.8, 0.7, 0.6 इसी तरह से होगी, ये वैल्यू बहुत छोटी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, कैटायन और एनायन के रेडियस में बहुत अंतर है, मतलब अगर मान लो कैटायन, अगर मान लो एनायन हमारा 100 है तो कैटायन 20, 30, 40 ऐसे होगा, बहुत छोटा होगा, तो ऐसे में बेटा ये वैल्यू बहुत कम होगा, वन से बहुत कम होगा, ठीक है भाई। ये चीज़ हमारा यार ये कहाँ पे मिलता है, ये हमको NaCl में मिलता है, ये हमको सीजियम क्लोराइड में मिलता है बेटा, ये हमको AgCl, AgBr में मिलता है, ठीक है। AgBr में बेटा दोनों तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, फ्रैंकल भी होता है, स्कॉटी भी होता है। ये कहाँ मिलता है, ये हमको जिंक सल्फाइड में मिलता है, ये हमको AgBr में मिलता है, ठीक है, AgCl में मिलता है, ये हमको बेटा इन सब जगहों पर देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट बता दें यार, स्कॉटी डिफेक्ट के कारण क्या होता है डेंसिटी में, स्कॉटी डिफेक्ट के कारण क्या होता है यार, डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी, डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी कम होती थी ना स्कॉटी डिफेक्ट में, डेंसिटी हमारी कम हो जाती थी, फ्रैंकल में डेंसिटी कम नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी भी कम होगी, स्टेबिलिटी भी कम होगी। अच्छा स्टेबिलिटी क्यों कम होगी यार, सारे डिफेक्ट से स्टेबिलिटी खत्म होती है यार, अगर चीज़ें आइडियल वे में होती तो फोर्सेस हमारे अच्छे से बैलेंस्ड हो रहे थे। लेकिन अगर मान लो चीज़ें हमारी इस तरह से हो जाएंगी, मान लो किसी जगह पे कैटायन चला जाएगा, मतलब दो एनायन के बीच में कैटायन होना चाहिए था, दो एनायन के बीच में मान लो यार कैटायन होना चाहिए था, ठीक है। हमारे मान लो यार सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल में दो कैटायन के बीच में लेट से एनायन था, तो बेटा ये एनायन इन दोनों को अट्रैक्शन करके रखा हुआ था। अब ऐसे में अगर ये एनायन मिसिंग होगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, रिपल्शन आ जाएगा। सो ऑल डिफेक्ट्स लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, इस स्टेटमेंट को लिख लेना कॉपी में, ऑल डिफेक्ट्स लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी भी कम होगी, डेंसिटी भी कम होगी, और वरना यहाँ पे क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, स्टेबिलिटी तो कम होगी, स्टेबिलिटी तो यार यहाँ पे कम होगी, सारे डिफेक्ट से स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन भाई डेंसिटी रिमेन सेम, लेकिन दोस्तों डेंसिटी हमारी सेम रहेगी यहाँ पे बेटा डिफेक्ट में, डेंसिटी हमारी सेम रहेगी, डेंसिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ये है दोस्तों हमारा फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट का भाई मेन लेक्चर, क्योंकि डिफेक्ट्स में यार ये दोनों डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग इस डिफेक्ट के वीडियो के अगले पार्ट में बच्चों बचे हुए डिफेक्ट करेंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या फिर हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उनको हम लोग देख के कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे 360 के नहीं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट उनको इस तरह के प्यारे वीडियोज़ मिलते रहे। बेल आइकन दबा दें, और यार लाइक वाइक भी ठोक दिया करो यार, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे तो इतना तो तुम लोगों के लिए भी फर्ज बनता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को याद रखना कि भैया टाइम का सदुपयोग करना, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियोस में, जहाँ पे डिफेक्ट्स का अगला पार्ट रहेगा, उसके बाद मेरी दो वीडियोस और रहेंगी, दो वीडियोस रहेंगी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की और एक कंप्लीट सॉलिड स्टेट का रिवीजन इन वन शॉट। चलिए दोस्तों मुलाकात करेंगे आगे।